नाइंसाफी की गई है, जिसके कारण यहाँ जितने भी छात्र हैं हरि सिंह कॉलेज के, ये सभी जो है वो आंदोलन का एक रूप दे रहे हैं। और बावजूद इसके मैं जानना चाहूंगा एबीपी के अभी सिंह के यहाँ अध्यक्ष है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शुभम केसरी हुआ। ये जो अभी हाय हाय का नारा लग रहा है सर, ये किस चीज के लिए और क्यों नारा लग रहा है, बताया जाए सर? जी, हरि सिंह महाविद्यालय का जो ये पार्ट वन और पार्ट टू का जो परीक्षा हो रहा था जी, उसका सेंटर हम दिया गया था आरएस कॉलेज तारापुर जी, जिन्हें परिवर्तित कर यानी सब्सिडरी विषय का जो परीक्षा होगा जी, उसका सेंटर बदलकर श्रीमती गंगा देवी मेमोरियल महाविद्यालय सुदामपुर जमुई कर दिया गया जी, जिससे कि छात्र छात्राओं को वहां जाने के बाद वापस आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संध्या 4 बजे से जो है वहां से गाड़ी की साधन नहीं है जिससे छात्र छात्रा वापस आ सके, इसलिए हम लोग इस चीज का विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जो सेंटर है पूरे पूरा परिवर्तन किया जाए, या तो आरएस कॉलेज पुणे से दिया जाए या न तो किसी अन्य महाविद्यालय जो सुगम हो विद्यार्थी के लिए ऐसे स्थान पे दिया जाए, नहीं तो हम लोग जरदबाद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सर यहाँ मतलब प्रचार जो है, यहाँ के प्रचार से आप लोग बातचीत किए इनके बारे में, मतलब वो क्या बोले इस मतलब विषय पर? प्रचार से हमारी बात हुई है, हालांकि हम लोग अभी मिलेंगे, हम लोग ज्ञापन तैयार किए हुए हैं और हम परीक्षा नियंत्रक के नाम से ज्ञापन लिखे हैं और जाके इन्हें अभी सौंपेंगे और बातचीत करेंगे, क्या फिर दिशा निर्देश मिलता है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बट मेरा कहना हुआ कि अगर मान के चलिए, हमने भी अभी बात किया यहाँ के प्रचार से, उनका कहना हुआ कि यूनिवर्सिटी ये सारा काम कर रहा है, हम तो सारे स्टूडेंट के साथ में है, ये हम भी समझ पा रहे हैं कि जमुई अगर जाना हो तो मतलब फिर उधर से 5 बजे के बाद आना मुश्किल होता है, क्योंकि वो राह कठिन है। जब परीक्षा नियंत्रक सारा शुल्क लेते हैं जी, तो उनको व्यवस्था सुगम व्यवस्था देनी चाहिए, यह उनका काम है कि स्टूडेंट को कहाँ से मतलब छात्र हित के लिए ऐसा सेंटर दिया जाए जो छात्र हित के लिए हो, ऐसा नहीं कि कहीं भी दे दिए और स्टूडेंट को समस्या हो। जब आप शुल्क वाजिब शुल्क लेते हैं तो अच्छी व्यवस्था आपको देनी होगी। चलिए, इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम हो आपका? अंकित जायसवाल, प्रदेश अकादमी सदस्य। अच्छा।